लिफ्ट ली, एपी पिलाई और चित्र लेकर भागा। नशीला पदार्थ पिलाकर वाहन लेकर भागा आरोपी। फरियादी पहुंचा सिटी कोतवाली की रिपोर्ट। नमस्कार, समाचार विस्तार से। लिफ्ट ली और फिर लिफ्ट लेने के बाद दमोह पहुंचकर भोजन करने का ऑफर दिया, भोजन के लिए मना किया गया तो फिर एपी पिलाई। एपी में नशीला पदार्थ और फिर क्या था, वाहन का मालिक बेहोश। जिला चिकित्सालय में उसको भर्ती करा के वह आरोपी स्विफ्ट वाहन लेकर फरार हो गया। 24 घंटे बाद जब फरियादी होश में आया तो वह पहुंचा सिटी कोतवाली। उसने जो मामला है उस मामले के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। एक अजीब और गरीब वाक्य है। पहले लिफ्ट ली गई वाहन से, वाहन चालक को यह भरोसे में लाया गया कि वह एक सभ्य व्यक्ति है, दमोह चलना चाहता है, आप वाहन में लेकर चलें। वाहन चालक ने उसको, उस व्यक्ति को, उस आरोपी को अपने वाहन में ले लिया। उसने कहा कि जिला चिकित्सालय के समीप छोड़ दो। जिला चिकित्सालय के समीप जब छोड़ा गया, उसके पूर्व भोजन का ऑफर दिया जाता है आरोपी के द्वारा, और फरियादी ने जब भोजन करने से मना किया तो फिर एपी में एक नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको सुनवाते हैं। आदेश कटिंग नाम है। क्या घटनाक्रम हुआ? एपी पिलवा दी उसने, उसके बाद हम पति में होश ही, गाड़ी पूरी रेल लेके चला गया। कहाँ से? यही दमोह से। तो आप सागर से दमोह काय के लिए आए थे? रिश्तेदार से। तो गाड़ी आपकी थी बच्ची? तो जो ले गया गाड़ी वो कहाँ मिला था? सागर ही मिला था, ऐसे लिफ्ट लेके बैठा था। दमो आप उसको, वो दमोआ ना था उसको? हाँ, दमोआ। फिर यहाँ पे आप कहाँ रुक गए? कहीं नहीं, जा ही नहीं पाए कहीं, बस अस्पताल के सामने ही उसने एपी दी बस। हमने उसके बाद उसे कितने बजे की घटना है? दिन में 1 बजे। दोपहर 1 बजे की। फिर उसके बाद आप कहाँ पहुँचे? पता ही नहीं। क्या कर करते जब होश आया तो कहाँ थे आप? होश आए तो वहीं अस्पताल के बाहर निकल थे। रात में 12:30-1 बजे यहाँ आए थे। ये लोग सब समय परेशानी दारू पिए हैं। चौक से सागर टैक्सी यूनियन जिला अध्यक्ष। क्या घटनाक्रम हो गया आपके? घटनाक्रम, इनको रिश्तेदारी में काम था कल, तो इनको दमोह आना था। हमारे सागर के स्टेशन से ऑटो भी चलाते, खुद का ऑटो भी है इनका, तो ये वहाँ से निकल रहे होंगे। वो जो भाई मिला वो इनसे पूछा होगा कहाँ जा रहे थे, इनने बोला दमोह जा रहे थे। तो उनको लिफ्ट दे दी इंसानियत के नाते। उसने बताया कि कोई हमारा हिंडोरिया से था, उसका एक्सीडेंट हो गया, दमोह हॉस्पिटल में भर्ती है, थोड़ा सा अगर आप जल्दी ले चलेंगे तो मदद हो जाएगी। तो ये चले आए अपना जो सरकारी अस्पताल का ऊपर वाला मानक चौराहा है, मानक भवन, वहाँ पे इन्हें गाड़ी खड़ी कर ले आके। वो वहाँ से उतरा, सीधा नीचे गया चौराहे के, भैया हम 2 मिनट में आ रहा है देख के। उसने बैग इनकी गाड़ी में ही छोड़ दिया। ये भी अकेले थे, वो भी अकेला था। अब हुआ यूँ कि वो नीचे से गया तो 2 एप्पल जो जूस आते हैं वो बाटल ले गया, बोला भैया एक आप पी लो एक मैं पी ले रहा हूँ। तो इनने भी उतना ज़्यादा गौर नहीं किया, इनने भी पी ली क्योंकि वो सामने पी रहा था जो लाया था। उसके बाद इनको कोई होश नहीं है। 1:43 की रिकॉर्डिंग है सरकारी अस्पताल के गेट पे छोड़ने की, उसी गाड़ी से जो हमारी शिफ्ट डिजायर है MP15CB5184। इनको उसने गेट पर उतारा और अंदर जाने की लड़खड़ाते हुए इनकी पूरी रिकॉर्डिंग अस्पताल में है, लेकिन उनने अपन को नहीं दी। अपन ने खाली अभी उसकी फ़ोटो खींची है, जब कोतवाली से कोई जाएगा तो उनको देंगे। तो इनको होश आया फिर 11:30 बजे करीब, तो ये कोतवाली आए वहाँ से चौराहे पे आदमों के पूछते हुए। दो भाई लोग सहयोग के लिए यहाँ पे छोड़ गए बाइक से, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई क्योंकि इनकी हालत ख़राब थी। तो इनने सोचा कि नशे पत्ते में है, और जबकि नशा भाई एक लौंग भी नहीं खाता है, कोई नशा नहीं करता, ड्रिंक तो बहुत बड़ी चीज़ है। फिर उसके बाद ये विंध्याचल से घर पहुंचा 3:30 बजे रात को सागर। तो जैसे ही हम लोग को खबर लगी तो हम लोग फिर 7 बजे दम हो जाए। स्विफ्ट गाड़ी का एक मामला सामने आया है, उसमें जो प्रार्थी है आदेश कटी, ये सागर सदर बाजार के रहने वाले हैं, ऑटो चलाते हैं,
HDFC बैंक परकोटा से एक व्यक्ति ने इनसे लिफ्ट मांगी थी स्टेशन तक जाने के लिए ऑटो से, तो अपने ऑटो से उसको वहाँ तक स्टेशन पर छोड़ दिया था। उसके बाद इनका कोई रिश्तेदार यहाँ दमों में रहता है, तो ये लोग दमों आना था, तो अपने भाई से इनने गाड़ी जो स्विफ्ट गाड़ी वो मंगाई थी, और जब ये फ़ोन पर बात कर रहे थे तो उस व्यक्ति ने सुन लिया था, तो उस व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उसका भी कोई रिश्तेदार कुम्हारी का है जो अस्पताल में भर्ती है, उसे भी जाना है। साथ में ये दोनों लोग वहाँ से आए और इनको कुछ उसने एक वो एपे का जूस आता है उसको कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया था, जिससे इनको ज़्यादा ध्यान नहीं रहा, और उसी दौरान ये व्यक्ति जो साथ में आया था ये गाड़ी उस व्यक्ति थी वो लेके चला गया। क्या मामला पंजीबद्ध किया गया इसमें? ये मामला जीरो पे कायदी की गई है, और क्योंकि नशीला पदार्थ खिला के और गाड़ी की चोरी करके ले गए 328 और 389 IPC कंपनी। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है, लगातार कार्रवाई चल रही है, आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए प्रयास पुलिस के किए जा रहे हैं, परंतु यहां पर एक विश्वास खत्म हो रहा है कि जरूरत होती है कभी तो फिर लोग किसी न किसी सड़क पर वाहन के में जाकर लिफ्ट लेते हैं, परंतु जब इस प्रकार की स्थिति निर्मित होने लगे तो फिर भरोसा उठेगा, मानवता यहां पर कलंकित हुई है। देखते रहिए LNB TV, जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ।